नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ किस तारे कृष्णा शर्मा। भाई आज जो है खास दिन है, आज है बुधवार का दिन है और आज 31 जनवरी 2018 पूर्णमासी जो है शाम को 6:56 तक रहेगी। उसके बाद जो है प्रतिपदा चालू हो जाएगी। मगर आज के दिन क्या हो रहा है, आज जो है ग्रहण पड़ रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समय क्या है, चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है शाम को ही पड़ेगा, 5:56 से जो प्रारंभ होगा, रात्रि में 8:41 और इसका मोक्ष जो खत्म होगा वो 9 तक खत्म होगा। अब हम ये बात करते हैं कि आज का हमारा जो शुभ समय है दान का, वो हम आपको बता दें। सुबह जो है रहेगा 7 से लेके 8:30 तक का समय रहेगा, जिसमें जो है आप दान पुण्य का कुछ भी सामान निकाल सकते हैं, मंदिर में मत रखिएगा। अगर हम ये बताएं कि आज जो है राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, चलिए रमल क्या कहते हैं बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए बता दें आज आपका नंबर जो निकला है नंबर है एक, पांच नंबर यह है कि ये बता रहा है आज जो है वाणी पे थोड़ा सा संयम रखना है, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। और आज हमारा जो है खास उपाय आखिरी में जरूर देखिएगा, ग्रहण से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि हमारी वृषभ राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। आज आपके लिए कहता है नंबर तीन, नंबर दो, सात नंबर है। आज जो है व्यर्थ में किसी जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको जो है बस ये कह दें व्यर्थ में आप मेहनत करेंगे, क्योंकि वो जॉब आज आपको नहीं मिल पाएगी, कष्ट हो सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यहाँ पर निकलती है मिथुन राशि वालों के लिए नंबर है तीन, नंबर है चार, नंबर है तीन, दस नंबर, एक नंबर। भाई सूर्य के लिए बता दें यहाँ जो है आज पिता और संतान दोनों की तरफ से थोड़ा सा आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपके संतान की तरफ से कुछ थोड़ा सा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो हमारे भाग्य के पास एक नंबर है तीन, नंबर है चार, नंबर है तीन। भाई आपके लिए यहाँ नंबर 10 है, मगर जो है उसका काउंट करा तो एक नंबर आ गया। आपके लिए बता दें आज जो है कोई सरकारी जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई वगैरह किया है तो उसका जो है कोशिश करिए कि थोड़ी और मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, तो उसके जो है आप मेहनत को और जारी रखेंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि है भाई सिंह राशि वालों के लिए बता दें आज का जो हमारा भाग्य का पासा है नंबर तीन, नंबर दो, आठ नंबर निकला है। तो सिंह राशि वालों आज जो है आप अपने कामकाज में तो व्यस्त रहेंगे, काम के सिलसिले से आज जो है यात्रा वगैरह करनी पड़ सकती है तो यात्रा को स्थगित कर दीजिए, थोड़ा कष्ट होगा इसीलिए यात्रा स्थगित कीजिए। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि भाई कन्या राशि वालों, आपके लिए जो भाग्य के पास का नंबर है तीन, नंबर चार, नंबर दो, नौ नंबर निकला है। तो कन्या राशि वालों आज जो है किसी के साथ में झगड़ाबाजी हो सकती है, झगड़े होंगे, झगड़े से बच के रहिए, क्योंकि आज जो है कर्क राशि में चंद्रमा संचार कर रहा है तो ग्रहण पड़ रहा है, उसका असर जो है आपके ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि है हमारी तुला राशि वालों के लिए जो हमारे भाग्य के पास का नंबर है दो, नंबर चार आपके लिए है। तुला राशि वालों आज अपने घर में कामकाज में समय व्यतीत होगा, ऑफिस में भी आप अगर हैं तो वहाँ पे भी आपका ज़्यादातर काम का बोझ आज आपके ऊपर बहुत रहने वाला है, काम करिए, अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि। भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य का पासा क्या कहता है, नंबर एक, नंबर चार, छः नंबर निकला है। वृश्चिक राशि वालों आज जो है अपनी पत्नी के साथ में आप थोड़ा अनबन कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। और इसके बाद जो है किसी स्त्री के साथ में आपका झगड़ा हो सकता है, कोई बाहर भी कोई स्त्री के साथ में झगड़ा हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले से ही आप बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि वालों, भाग्य के पास आपके नंबर क्या लेके आए हैं, नंबर है तीन, भाग्य के पास आपके लिए ये नंबर लेके आया है। आपके लिए आज कहीं भूमि वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, मकान वगैरह खरीदना चाह रहे हैं या भूमि की कोई बातचीत कर रहे हैं तो कर लीजिए, आज आपके लिए अच्छा दिन है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि है हमारी मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए जो भाग्य के पास का नंबर निकला है, नंबर है 3, नंबर है 4, नंबर है 4, काउंट करा तो नंबर 2। अब यहाँ पर हम ये बता दें 11 को काउंट करके नंबर 2 आया, तो यहाँ पर जो है थोड़ा परेशान हो सकते हैं, व्यर्थ में चिंता रहेगी, कोई जो है पुरानी यादों में आप जो है अपना समय व्यतीत कर अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। यादों में मत खोइएगा, सपने में मत रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर क्या निकला है, नंबर है 3, नंबर 3, नंबर 3। कुंभ राशि वालों आज जो है किसी के साथ में लड़ाई मत करिएगा, और इसके अलावा जो है ये भी है कि आज अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का आपने जमीन जायदाद का कुछ भी वाहन भी खरीदने जा रहे हैं तो मत खरीदिएगा, आज आपके लिए शुभ नहीं है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर है, नंबर है 2, नंबर 3, नंबर 2। कुल मिला के अगर हम यहाँ देखते हैं जो आपका जो भाग्य का जो पासे का जो नंबर है वो ये बता रहा 7 नंबर कि आज जो है व्यर्थ में भाग दौड़ रहेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उसकी सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। आपके स्वास्थ्य पे आज असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण का समय है, रात्रि के समय आप जो है चंद्र ग्रहण में ना निकलें क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। हम वो उपाय बताते हैं कि चंद्र ग्रहण में वो खास उपाय क्या करें। यदि हमारा चंद्रमा कमजोर है, यदि हमारा चंद्रमा हमारे लिए अशुभ प्रभाव डाल रहा है तब क्या करना चाहिए। यदि हमारा चंद्रमा कमजोर है तब आपने चावल का दान करना है, चावल और दूध, चावल थोड़े से लेके आपने दूध में डाल देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 125 ग्राम जो है आपने दूध लेना, उसमें जो है एक मुट्ठी चावल डाल दीजिएगा। इस दूध और चावल को जब ग्रहण खत्म हो जाए तो दूसरे दिन या रात्रि में, वैसे तो इतनी रात्रि में पूजा नहीं होगी, दूसरे दिन ही आप जाके भगवान शिव पे चढ़ाएं। अब जो है दान जिनका कह सकते हैं कि चंद्रमा अशुभ प्रभाव दिखा रहा है उनको क्या करना है, चावल जो है सफ़ेद कपड़े में आपने बंद करना, उसमें दूध के छिट्टे डाल के बंद कर दीजिए, उसको जो है आपने किसी भारी चांदी के साथ में दबा के मंदिर में रख दीजिएगा, और चांदी जो है गंगा जल में डाल के बंद करके रख दीजिएगा, आपका सारे अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। ये था एस्ट्रो तक में हमारा खास उपाय। कल हम एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए मेरे साथ एस्ट्रो तक। जय महादेव।